सो गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को। तो चलिए, समय हो गया है, 8 बज गया है और जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग, क्योंकि 8 बजे आप लोगों के लिए हम लेकर के आते हैं डेली वोकैब सीरीज। और इस सीरीज में हम लोग वोकैबुलरी के सारे सेगमेंट, चाहे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो, या फिर होमोनिम्स हो, या फिर फ्रेजल वर्ब, साथ में क्लोज टेस्ट भी, इन सब पर बहुत ही डिटेल तरीके से, कंप्लीट तरीके से इस पे बात करते हैं, समझते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं और सारे वर्ड को हम लोग उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग, उसके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या पढ़ने वाले हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, एक लंबा आपके सामने फ्रेज या फिर क्लॉज लिखा हुआ रहेगा या फिर स्टेटमेंट लिखा रहेगा, उसके लिए आपको एक सब्स्टिट्यूट लिखना है, जिसे बोलेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आज ये क्लास नंबर कितना है? आज ये क्लास नंबर है 4, ठीक है। इससे पहले हम लोग 3 क्लास ऑलरेडी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का कर चुके हैं, ये न्यू सीरीज में। कौन सा सीरीज में? न्यू सीरीज में। तो न्यू सीरीज से आप देखना शुरू किए होंगे, और नहीं भी देखना शुरू किए हैं तो कम से कम पीछे के जो 3 वीडियोस हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लेकर के, उसको एक बार कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़िए, क्योंकि इसमें हम लोग लगभग 77 वर्ड्स को हम लोग कर चुके हैं, उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद होगा 78 नंबर वर्ड, और ये सारे के सारे ट्रेडिशनल वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे ट्रेडिशनल वन वर्ड हैं, और ये हर बार के एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, आपके भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, इन सब में से एक दो वर्ड जरूर आपके भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इन सारे वर्ड्स को आपको प्रत्येक बार रिवाइज करते रहना है, इसको कंप्लीट एक नोट्स प्रिपेयर कर लेना है, ताकि जब कभी भी आपका एग्जाम सामने हो तुरंत से इसका एक बार रिविजन कर सके, ठीक है। बाकी हम लोग इस पे सारे सेगमेंट, इन सारे सेगमेंट पे अलग अलग डे बात करते हैं। तो चलिए, अब हम लोग सीधे बढ़ते हैं आज की इस जर्नी में, और बहुत ही खूबसूरत लम्हे के साथ, बहुत ही प्यार भरी इस जर्नी को कंप्लीट करेंगे। और सबसे पहले लेंगे वर्ड नंबर 78, जो कि क्या लिखा हुआ है, पढ़िए एक बार वर्ड को लिखिए जल्दी से, बोहेमियन। क्या लिखा हुआ? बोहेमियन। बोहेमियन, बोहेमियन एक तरह से एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, ये क्वालिटी बताने का काम करेगा। क्या काम करेगा? क्वालिटी बताने की, किसी भी व्यक्ति का क्या गुण है, क्या उसका नेचर है, उसके बारे में बात करेगा, ठीक है। और एडजेक्टिव है तो ये कहीं ना किसी व्यक्ति के बारे में बात करेगा, कैसा व्यक्ति, किस तरह के व्यक्ति के बारे में बात करेगा। तो वन, वैसे व्यक्ति, यहां पे वन ना एक व्यक्ति, एक पर्सन को रेफर करता है। जब भी इस तरीके का स्टेटमेंट आप देखे, और यहां पे क्या लिखा रहे, वन, इस वन का मतलब होता है कोई भी पर्सन से रिलेटेड, कोई भी व्यक्ति से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी व्यक्ति से रिलेटेड, कोई भी पर्सन से रिलेटेड। तो वन हु डज नॉट का मतलब नहीं, फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ। सोशल लाइफ, आपके सामाजिक लाइफ, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी का कुछ अपना एक रूल्स होता है, रेगुलेशन होता है, उस तरीके से आपको भी रहना होता है, रिचुअल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो उन सारे रूल्स, उन सारे रिचुअल्स, उन सारे सोशल लाइफ के ट्रेडिशन, ठीक है, कस्टम्स को फॉलो ना करता हो, वैसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, हम लोग बोहेमियन, जिसे बोलते हैं उदंड किस्म के व्यक्ति। क्या बोलेंगे? उदंड किस्म के व्यक्ति, और खास करके कब, जब वो एक सोसाइटी में रहता हो और सोसाइटी की चीजों को फॉलो नहीं करता है। अब इसकी हिंदी को हम लोग क्या लिखे, इसके हिंदी को हम लोग क्या लिखे, तो हिंदी को आपको लिखना नहीं है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि आपको एग्जाम में हिंदी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको ये पूरा स्टेटमेंट यहां से लेकर के वहां तक का स्टेटमेंट लिख करके दे दिया जाएगा, और बोलेगा इसी का एक सब्स्टिट्यूट बताइए क्या होगा। तो क्या आप इसके हिंदी वहां पे पढ़ पाएंगे? नहीं ना, आपको इसका हिंदी करने आना चाहिए, दैट मींस कि आपको समझ आना चाहिए। हिंदी करना एक अलग बात है, उसको समझना एक अलग बात है। एग्जैक्ट हिंदी करने से कोई मतलब नहीं, समझने से मतलब है। तो क्या इस स्टेटमेंट को पढ़कर आप समझ नहीं पाएंगे? क्या लिखा हुआ है? वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, दैट इज बोहेमियन। अब है बुलियन, बोलिए एक बार लिखिए भी, बुलियन क्या है?
बुलियन। बुलियन का मतलब होता है, आप देखे हैं कि जब तक आभूषण नहीं बना हुआ रहता तब तक गोल्ड या फिर सिल्वर किस रूप में आता है? तो बोलते हैं सर बिस्किट के रूप में। हाँ, उसे गोल्ड के बिस्किट या फिर सिल्वर के बिस्किट भी बोल देते हैं ना, कुछ इस तरीके से होगा। अगर ये 3D बन पाएगा हमसे तो 3D बन जाएगा, अदरवाइज एक पूरा ऐसे ही रहता है ना, ऐसे ही पीस रहता है, इसी पीस को हम लोग बोलते हैं बुलियन। ठीक है, ऐसे ही पीस रहेगा जो, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बुलियन। गोल्ड एंड सिल्वर बिफोर यूजिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब बनाना, क्या बनाना, ऑर्नामेंट्स, इसका मतलब आभूषण। तो आभूषण, आभूषण बनाने से पहले, आभूषण बनाने से पहले जो सोने के बिस्किट आप देखते हैं उसी बिस्किट को हम लोग क्या बोलेंगे, बुलियन। क्या बोलेंगे, बुलियन। ठीक है, अच्छी बात है ना। इसके बाद ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का क्या मतलब, क्रेसी, क्रेसी जो है वर्ड, परंतु ये नाउन के रूप में आता है, ये भी ध्यान रखना आपको। और क्रेसी का मतलब क्या होता है, क्रेसी का मतलब होता है कोई भी स्टेट, कोई भी रीजन, कोई भी रूरल वो जगह। ठीक है, तो स्टेट कोई भी कंट्री भी आप लिख सकते हैं, जहां पे शासन चलता हो किसका, ब्यूरो का, और ब्यूरो का मतलब गवर्नमेंट या फिर एक ऑफिशियल बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, ऑफिशियल, ऑफिशियल जो ब्यूरोक्रेट्स जो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। ठीक है, तो ऑफिशियल के, यानी अ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स इन अ स्टेट, कोई भी स्टेट में जो मतलब वहां का जो सरकार चलाती है वो सरकार किसके द्वारा चलाया जाना चाहिए, ब्यूरो यानी ऑफिसर के द्वारा, वैसे स्टेट को बोलेंगे ब्यूरोक्रेसी। इसके बाद है केकोग्राफर, ग्राफर का मतलब होता है लिखना पढ़ना, ग्राफर का मतलब किससे होता है, लिखना पढ़ना से। और कैको का मतलब खराब, कैको का मतलब जो कि खराब हो, बैड हो, क्या हो, खराब हो, उस पे वो अच्छा ना हो, उस चीज में वो अच्छा ना हो। तो कैकोग्राफर जो कि एक नाउन के जैसे हम लोग यूज करते हैं, और नाउन है तो कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, वन एक आदमी हु इज बैड, जो बैड हो, क्योंकि कैको लगा हुआ है ना, इसका मतलब ही होता है बैड। और लिखना मतलब स्पेलिंग, जो स्पेलिंग लिखने में गंदे हो और उसका स्पेलिंग गलत हो जाता है, वैसे व्यक्ति को बोलेंगे कैकोग्राफर, क्या बोलेंगे, कैकोग्राफर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे का वर्ड क्या है जरा बताइए। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने कैकोफोनी, क्या है, कैकोफोनी, कैकोफोनी क्या होता है, फिर से यहां पे लिखा हुआ कैको, इसका मतलब बैड, और फोन, आप फोन करते हैं इसका मतलब फोन से बना ना, फोन, फोन का मतलब ही होता है साउंड, फोन का मतलब क्या होता है, साउंड से। तो ऐसे व्यक्ति जिसका साउंड, जिसका साउंड खराब हो, जिसका उच्चारण करने का जो स्टाइल है वो खराब हो, कर्कश आवाज हो, कर्कश आवाज वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे, कैकोफोनी। हार्स और डिस्कॉर्डेंट साउंड, हार्स और डिस्कॉर्डेंट का ही मतलब होता है कर्कश, क्या होता है इसका मतलब, कर्कश। तो कर्कश साउंड बोलने वाले, काव काव करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं डिस्कॉर्डेंट साउंड। ठीक है, और इसी को बोलेंगे कैकोफोनी। अब है केलीग्राफर, जब भी आपको केली दिखे, आप सुन बोलते हैं ना कि कोई भी लड़की को केली, केली का मतलब होता है ब्यूटीफुल, और ग्राफर, ग्राफर का मतलब लिखने से, ग्राफर का मतलब राइटिंग करने से। तो जिसका राइटिंग, जिसका स्पेलिंग कैसा हो, ब्यूटीफुल हो, अच्छा हो, सुंदर हो, वैसे चीज को क्या बोलेंगे, वैसे व्यक्ति को, वैसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, केकोग्राफर। और ध्यान रहना कि ये आदमी कैसे बना, देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा हो, ER, यहाँ पर भी ER, और जब भी आपके सामने नॉर्मली वर्ब के साथ ER लिखा हुआ दिखे, दैट मीन्स कोई ना कोई व्यक्ति को वो रेफर करेगा। तो अ पर्सन हु इज स्किल्ड एट प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल राइटिंग, ऐसे व्यक्ति जो अच्छे खासे सुंदर राइटिंग लिखता हो, वैसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, केलीग्राफर, क्या बोलेंगे, केलीग्राफर। नेक्स्ट है आपके सामने कैलस, कैलस क्या होता है, कैलस एक तरह से गुण के बारे में बताता है। ठीक है, किसी भी आदमी के गुण के बारे में बात करेगा, और कैसा गुण वाला व्यक्ति, वैसे व्यक्ति जो डिवाइड हो, डिवाइड का मतलब रहित, इसके अंदर वो चीज का कोई भी तरह का सेंस ना हो, ठीक है, उसका लैक हो, कमी हो, लैक ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी, ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर सिंपैथी, सहानुभूति ना हो, जिसके अंदर दयालुता ना हो, वैसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, वैसे व्यक्ति को बोलेंगे, वैसे व्यक्ति के गुण को बोलेंगे कैलस। ठीक है,
जिसे आप अपने दोस्त को बोल सकते हैं, यू आर अ कैलस पर्सन। इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर थोड़ा सा भी सिंपैथी या फिर काइंड फीलिंग नहीं है। अब नेक्स्ट आपके सामने कैमोफ्लेज। क्या है कैमोफ्लेज? कैमोफ्लेज क्या होता है? कैमोफ्लेज होता है, कैमोफ्लेज एक तरह से ना गिरगिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? गिरगिट। और गिरगिट का क्या नेचर होता है? गिरगिट का नेचर ये होता है कि जिस भी कलर वाले पेड़ पे या फिर टहने पे या फिर स्पेस में या फिर उस जगह पे रहता है उसी कलर का वो अपना बॉडी कर लेता है। इसलिए बोलते हैं ना कि गिरगिट के जैसा रंग मत बदलो, है ना? क्या बोलते हैं? गिरगिट के जैसा रंग मत बदलो, क्योंकि गिरगिट रंग बदलता है। तो रंग किस लिए बदलता है? ताकि वो वहां पे उस एरिया पे छुप पाए, उस एरिया पे क्या हो जाए, छुप जाए, और अपने जो शिकार है या फिर जिसके लिए वो वहां पे वेट कर रहा है उसको वो आराम से पकड़ पाए, है ना? तो यही चीज को हम लोग अभी एज ए नाउन ले कैमोफ्लेज, इसका मतलब होता है कि ऐसा चीज विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ रियल नेचर ऑफ समथिंग। कोई भी व्यक्ति के नेचर को ना पढ़ पाना, या फिर देखते होंगे ना कि जो हमारे आर्मी के जो जवान होते हैं वो कैसा रहते हैं, बर्फ वाले इलाके में एकदम व्हाइट व्हाइट पहना हुआ, कीचड़ में एकदम कीचड़ कलर वाला वो जो ड्रेस होता है उसको पहना हुआ, ठीक है? उसके बाद जंगलों में रहता है तो उस तरीके से जो काफी एकदम पेड़ पौधों के साथ मिल जाए उस तरीके के ड्रेस में रहता है, उन सारे ड्रेस को हम लोग बोलते हैं कैमोफ्लेज ड्रेस, क्योंकि वो उसके प्रेजेंस को छुपा रहा होता है कि वहां पे वो आदमी नहीं है। तो कैमोफ्लेज का मतलब होता है कि ऐसा चीज जो डिफिकल्ट कर दे सामने वाले को ये पहचानने में कि क्या सच में वहां पे कोई प्रेजेंस है, प्रेजेंट है या नहीं। इसके बाद 86 में क्या है आपके सामने? 86 में आपके सामने कैनिबल। क्या है कैनिबल? कैनिबल जो कि एक नाउन के रूप में लोग यूज करते हैं और ये बताता है एक आदमी के बारे में, और कैसा आदमी के बारे में, जो ईट करे खाए क्या, ह्यूमन फ्लेश, मानव का ही मांस खाने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, कैनिबल। इसके बाद है कैनोफिलिया। कैनोफिलिया इस किसे बोलेंगे? जो डॉग्स को बहुत ज्यादा चाहता हो, लव ऑफ डॉग्स, इसको बोलेंगे कैनोफिलिया या फिर लवर ऑफ डॉग्स, ठीक है? लवर ऑफ डॉग्स कैनोफिलिया, चूंकि एक नाउन के जैसा है। कैरावन। कैरावन क्या होता है? एक नाउन के रूप में होता है और ये होता है हाउस ऑफ शेल्टर ऑफ अ जिप्सी। जिप्सी का मतलब जो घूमने वाले लोग होते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली किस तरह के पीपल, जो ट्रेडर्स हो, जिस तरह के मतलब पिलग्रिम्स हो, जो कि कहीं पे जाने वाले, कहीं पे यात्रीगण, क्या बोलते हैं इसको, यात्रीगण। तो यात्रीगण के लिए जो हाउस रहता है उसी हाउस को क्या बोलते हैं, कैरावन। क्या बोलते हैं उसको? कैरावन, मतलब तंबू। एक तरह से तंबू होता है जो लेकर के चला जाता है, जहां पे रुकने का होता है वहां पे तुरंत से उसको फैला करके रुक जाता है, दैट इज कैरावन। इसके बाद है कार्कस। कार्कस क्या होता है? एक नाउन के रूप में ये होता है डेड बॉडी, इसका एनिमल का, यानी जानवरों के जो बॉडी होते हैं उसको बोलते हैं कार्कस, ठीक है? क्या बोलते हैं उसको? कार्कस। अब इसके बाद है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है? एक डॉक्टर होता है जो स्पेशली ट्रीटमेंट करता हो किसका, हार्ट का, यानी हृदय रोग विशेषज्ञ जिसे बोलते हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ यानी कि हृदय रोग के डॉक्टर, जो हृदय से रिलेटेड बीमारियों का इलाज करता हो, इसी को बोलेंगे लोग कार्डियोलॉजिस्ट। और जब भी आपके सामने कार्डियो वर्ड दिखे, ये वर्ड आपको हमेशा रेफर करेगा किसके बारे में, हार्ट के बारे में, ठीक है? कार्डियोग्राफर वो हार्ट का एक मतलब चेक जो मतलब बोला जाता है ना कि टेस्ट, तो टेस्ट करने पर जो रिपोर्ट आता है दैट इज कार्डियोग्राफर। तो इस तरीके से जब भी कार्डियो वर्ड दिखे आपको क्या समझना है, हार्ट के बारे में, ठीक है? अब है इसके बाद हम लोग के सामने कार्डियोलॉजी। अब बताइए कार्डियो यहां पर भी है, लॉजी, लॉजी का मतलब स्टडी और कार्डियो का मतलब, कार्डियो का मतलब हार्ट। द स्टडी ऑफ हार्ट एंड इट्स एक्शन एंड डिजीज, हार्ट से रिलेटेड जो कुछ भी एक्शन होता है, डिजीज होता है या फिर उसका स्टडी होता है उसी को बोल देंगे हम लोग कार्डियोलॉजी। इजी है ना? इसी तरीके से आपको बार बार वर्ड्स को रिवाइज करते रहना है। कैरिकेचर।
कैरी केचर, ये भी एक नाउन के रूप में हम लोग यूज करते हैं। अब पिक्चर ऑफ अ पर्सन, जो कि एक आदमी का पिक्चर हो सकता है या फिर किसी वस्तु का हो सकता है, ड्रॉन इन सच अ हाईली एग्जैजरेटेड मैनर एज टू कॉज लाफ्टर। देखिए क्या होता है ना कि आप कभी कभी बहुत सारे कार्टून्स देखते होंगे, ठीक है, बहुत सारे कार्टून्स देखते होंगे, खास करके आज तक वाले एक कार्टून्स लेकर के आता है जिसमें कि नेताओं का या फिर नेता लोगों का एक मतलब उसका एक कार्टून के जैसा बनाता है और बड़ा मस्ती करवाता है उसको, है ना। उसी कार्टून को, उसी तरह के पिक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, कैरिकेचर, जो किसी भी व्यक्ति को एज अ हंसने के लिए मतलब लाफ्टर के लिए यूज किया जाता है उसी को बोलते हैं हम लोग कैरिकेचर, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, कैरिकेचर। अब जैसे बोल सकते कि डूडल, डूडल बनाता है ना, उस तरह में हंसने के लिए भी कोई भी चीज को बनाया गया, किसी के फोटो को बनाया गया है, तब बोलेंगे कैरिकेचर। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे 93 नंबर वर्ड के लिए। चलिए 93 नंबर वर्ड एक बार पढ़िए आप लोग। कार्निवोरस, कार्निवोरस, कार्निवोरस क्या होता है, एनिमल्स दैट ईट मीट, ऐसे एनिमल जो क्या खाता हो, मीट खाता हो, यानी मांस खाने वाले जानवर को कार्निवोरस बोलते हैं, ये आप जानते हैं। कैरोल, कैरोल क्या होता है, सॉन्ग होता है जिसको गाया जाता है कहां पर, चर्च में, चर्च में गाए जाने वाले सॉन्ग को हम लोग बोलते हैं कैरोल, चर्च में गाए जाने वाले सॉन्ग। कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर, कार्टो का मतलब मैप और ग्राफर का मतलब डिजाइनर, अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप्स, ऐसे व्यक्ति जो मैप नक्शा को बनाता हो उसे बोलेंगे कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी का मतलब ऐसा एक आर्ट जो कला होता है वो, या प्रोसेस जिसके मदद से हम लोग किसको बनाएंगे, मैप, मैप को बनाने वाली कला को हम लोग बोलते हैं कार्टोग्राफी और इसको करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं कार्टोग्राफर। तो कार्टोग्राफी कला है, कौन सा कला है, जिस कला के माध्यम से हम लोग मैप्स को आने की नक्शे को बनाते हैं। और कार्टोग्राफर क्या है, कार्टोग्राफर एक व्यक्ति है जो कार्टोग्राफी जानता हो, यानी कि मैप बनाने की कला को जानता हो, ठीक है। अब इसके बाद है कसिनो, कसिनो एक जगह होता है जहां पे गैम्बलिंग करवाया जाता है गेम्स में, या फिर जिसको बोलते हैं ना कि जहां पर जुआ वगैरह खेला जाता है, ठीक है, क्लब, उस क्लब को क्या बोलेंगे हम लोग, कैसीनो, ठीक है। तो ये सारा हुआ अभी के वर्ड। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या है, सबसे पहले कैश रोल, एक नाउन के रूप में है और ये बताता है एक डीप पोर्ट, पोर्ट का मतलब एक बर्तन के रूप में, वेसल के रूप में, जिसको हम लोग ओवन पे यूज करते हैं खाना पकाने में भी और खाना को सर्व करने में भी, यानी खाना खिलाने में भी और खाना को पकाने में भी सर्व करते हैं, ऐसे वेसल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कैसरोल। आपको जरा दिखा दें इसके पिक्चर को, जरा आप लोग भी देखिएगा, ठीक है, ये है आपके सामने कैसरोल, देखिए ये लिखा हुआ है ना, ये सारे कैसरोल है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कैसरोल, है ना, कैसरोल। तो कैसरोल क्या होता है, इस तरह का एक बर्तन जिसमें हम लोग खाना पका भी लेते हैं और खाना को इसमें सर्व भी करने के लिए टेबल पे रख देते हैं और इसी से उठा उठा करके, इसी से चम्मच से निकाल निकाल करके लोग खाते हैं, ठीक है। चलिए तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, कैश रोल। अब आगे बढ़ते हैं और आगे आपके सामने क्या है, नेक्स्ट आपके सामने है कैटलॉग। कैटलॉग क्या होता है, अ लिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ बुक्स ऑन इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स। कैटलॉग ऐसा एक पूरा डिटेल में एक तरह से देखो बोला जाता है, जब भी आप कोई भी स्कूल कॉलेज जाते हैं तो प्रोस्पेक्टस दिया जाता है, मतलब उसमें पूरा उसके बारे में लिखा हुआ रहता है, उसी तरीके से कैटलॉग भी होता है, जिस कैटलॉग में आपको कोई बुक के बारे में या फिर कोई ग्राफिक्स के बारे में बड़े अच्छे तरीके से सजा करके लिखा हुआ रहता है, उसके बारे में उसकी कंप्लीट जानकारी वहां पर होता है। खास करके आप साड़ी की दुकान में जाए तो आपको एक कैटलॉग देखने को मिलेगा, उस कैटलॉग में क्या है कि साड़ी के बारे में, साड़ी के डिजाइन किस तरीके से, मतलब उसका डिजाइन दिखेगा, फोल्ड करने पे कैसा दिखेगा, उसको पहनने के बाद
लोग कैसे दिखेंगे, तो उसके बारे में पूरा डिटेल लिखा रहता है। लिखा क्या मतलब, डिटेल में दिखाया हुआ रहता है, उसी चीज को बोलते हैं कैटलॉग। ठीक है, इसके बाद है कैटास्ट्रोफ। कैटास्ट्रोफ क्या होता है, एक वर्ब के रूप में यूज करते हैं और ये एक इवेंट के बारे में बताता है जिसमें कि ग्रेट और सडन डैमेज हो, अचानक से बड़ा डैमेज हो, सफरिंग हो, बहुत ज्यादा तबाह हो। कैटास्ट्रोफ का मतलब ये होता है तबाही। क्या होता है, तबाही। ठीक है, अब है कॉल्ड्रोन। कॉल्ड्रोन ये भी एक लार्ज डीप मेटल पॉट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कुकिंग के लिए यूज करते हैं, खास करके ओपन फायर पे, मतलब लकड़ी वाले चूल्हे पे रख करके पकाने में यूज किया जाता है। और ऐसे ही मेटल पॉट को क्या बोलते हैं, कॉल्ड्रोन। इसका भी पिक्चर आप हम दिखाते हैं, देखिएगा कॉल्ड्रोन होता कैसा है। यह है आपके सामने कॉल्ड्रोन, ठीक है, ये आपके सामने कॉल्ड्रोन, देखो इस तरीके से रखा रहता है, इसी के नीचे आग लगा करके और इसमें खाना पकाते हैं। तो ये हो गया आपका मतलब थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड का, थोड़ा सा डिजाइनिंग वाला। और बाकी हम लोग तो जानते हैं कि गांव घर में मिट्टी के लिए इस तरीके के पोट का यूज कर लेते हैं खाना बनाने में, है ना। तो ये हो गया आपके सामने कॉल्ड्रोन का। अब हम लोग बात करेंगे आगे कैवेलरी का। कैवेलरी क्या होता है, कैवेलरी होता है सोल्जर्स जो कि लड़ाई करता है कहां पर बैठ करके, घोड़े पर बैठ करके। जैसे हमारे देश में एक ही व्यक्ति होते हैं, खास करके वो प्रेसिडेंट, जिसके सिक्योरिटी गार्ड में एक जो ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, कैवेलरी का, यानी कि घोड़े पे बैठ करके भी उसके आगे पीछे जाने वाले भी एक ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं कैवेलरी। ठीक है, तो वो सोल्जर्स जो घोड़े पर बैठ करके लड़ाई कर रहे, दैट इज कैवेलरी। सीज फायर, सीज फायर, सीज फायर क्या होता है, एक ऐसा समय जब इनिमीज एग्री कर दे अपने झगड़े को रोकने के लिए, सीज फायर। ठीक है, सेलिब्रेसी, सेलिब्रेसी द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड बाय चॉइस, जो खुद से चाह करके भी शादी ना करे, उस अवस्था को, उस स्थिति को बोलते हैं सेलिब्रेसी। और ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं सेलिब्रेट, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, सेलिब्रेट। और सेलिब्रेट का एक अच्छा एग्जाम्पल ले ले तो आपके सामने सलमान खान। तो सलमान खान किस तरह के व्यक्ति है, सेलिब्रेट, वो शादीशुदा नहीं है, इसका मतलब वो चाह करके भी शादी नहीं की, तो इसी को बोलेंगे सेलिब्रेट। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम चलेंगे नेक्स्ट, सेंट्रीफ्यूगल, जो कि एक एडजेक्टिव गुण के बारे में बात करेगा। और ये किसके गुण के बारे में बात करेगा, एनीथिंग टेंडिंग टू मूव अवे फ्रॉम सेंटर, जो सेंटर से दूर जाने की कोशिश करे। देख, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, सॉरी पढ़े होंगे आप लोग, कैसे, जैसे कि लड्डू या फिर कुछ भी आप घुमाते हैं, या फिर छोटे में आप फायर क्रैकर्स में, एक ऐसा भी फायर क्रैकर्स होता है यानी पटाखा जो घूमता भी है, क्या करता है, घूमता है। तो आप घूमते हुए क्या देखते हो, घूमते हुए कि उसके जो चिंगारी होता है वो बाहर जाने को रहता है, ऐसे बाहर भागने को रहता है ना, हर तरीके से, हर तरफ से वो बाहर भागने को रहता है। तो उसमें जो फोर्स रहता है वो किस तरह का फोर्स रहता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि वो हमेशा मूव अवे, बाहर जाने की चाहत में रहता है, सेंटर से, सेंटर ये है तो यहां से ऐसे बाहर जाने की चाहत में रहेगा, इसी को बोलते हम लोग सेंट्रीफ्यूगल, इसी को क्या बोलते हम लोग, सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, इसी के सामने एक आता है सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल ये क्या करेगा, ये इधर से चारों तरफ से घूम करके वापस सेंटर की ओर आने की कोशिश करेगा, ये सेंटर की ओर आने की कोशिश करेगा, इसी को बोलेंगे सेंट्रीपिटल। ठीक है, कोई तकलीफ, तो सेंट्रीपिटल जो कि इंटेंड करेगा टू कम इनसाइड, ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल क्या करेगा कि इंटेंड करेगा टू मूव अवे फ्रॉम सेंटर। अब है नेक्स्ट सेरिब्रल। सेरिब्रल आपके दिमाग में एक जगह होता है, मेंटल का यानी ब्रेन का वो पार्ट होता है जहां पे हम लोग मेंटल यानी इंटेलेक्चुअल वाले काम को प्रोसेस करते हैं, सोचने समझने की क्षमता या फिर जो सोचने समझने की जो क्वालिटी होता है वो कहां पे होता है, सेरिब्रल में। ठीक है, इसके बाद है सेरोग्राफी। सेरोग्राफी क्या होता है, सेरोग्राफी होता है आर्ट ऑफ डिजाइनिंग और राइटिंग ऑन वैक्स। वैक्स का मतलब मोम, मोम के ऊपर लिखने का, मोम के ऊपर जो भी डिजाइनिंग करने की जो कला है उस कला को बोलते हैं हम सेरोग्राफी। सेफ, सेफ क्या होता है,
रब अ पार्ट ऑफ द बॉडी टू रिस्टोर वार्म्थ और सेंसेशन। जब आप ना यहाँ पे रगड़ करके अपने हाथ के ऊपर एक गर्माहट महसूस करते हैं, यहाँ पे ठंड के दिन में ऐसे करके आप जो करते हैं और फिर लगता है कि मेरा हाथ गर्म हो गया और गर्मी आप फील भी करते हैं, तो उस चीज को बोलते हैं हम लोग सैफ। फिर है सैग्रिन। सैग्रिन क्या होता है? एक वैक्सन होता है फॉर ह्यूमिलेशन और डिसअपॉइंटेड। मतलब अब जब किसी को डिसअपॉइंटेड करते हैं, किसी को वैक्स करते हैं, वैक्स का मतलब परेशान करना, डिसअपॉइंट करना, उसको नाखुश कर देना, ठीक है, उसको ह्यूमिलिएट करना, बेइज्जती कर देना, तो वैसे चीज को बोलेंगे सैग्रिन। फिर है चैंजलिंग। चैंजलिंग क्या होता है? चैंजलिंग होता है अ चाइल्ड हु इज बिलीव टू हैव बीन सीक्रेटली लेफ्ट इन एक्सचेंज फॉर अनदर। जब किसी के बच्चे को उठा करके हॉस्पिटल में खास करके ऐसा काम होता है कि किसी के बच्चे को उठा करके चेंज कर दिया जाता है, तो उस तरह की चीज को बोलेंगे चैंजलिंग, ठीक है। इसके बाद है सैपल। सैपल क्या होता है? सैपल होता है स्मॉल बिल्डिंग या फिर रूम जहां पर क्रिश्चियन लोग मिल करके क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं। ये हो सकता है कि स्कूल के अंदर हो, प्रिजन यानी जेल के अंदर भी हो सकता है कि अपने लार्ज घर हो, हाउस हो, उसके अंदर भी हो, तो वैसे छोटे से रूम, वैसे छोटे से बिल्डिंग को भी हम क्या बोल सकते हैं, चैपल, ठीक है। जहां पर कौन पूजा करता है? क्रिश्चियन लोग, ठीक है, जहां पर क्रिश्चियन लोग पूजा करते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आज के लास्ट स्लाइड की ओर, और आज के लास्ट स्लाइड में सबसे पहले है चैरिस्मा। और चैरिस्मा एक नाउन के जैसे हम लोग यूज करते हैं, और ये बताता है किसी के बहुत ज्यादा खूबसूरती के बारे में, जो कि इंस्पायर कर सके, किसी को अट्रैक्ट कर सके, कंपेलिंग अट्रैक्टिवनेस और चार्म दैट कैन इंस्पायर और इन्फ्लुएंस अदर्स। ऐसी खूबसूरती, ऐसी सौंदर्य, ऐसी उसकी बनावट, उसकी चार्मिंग, जो किसी को भी अपने अट्रैक्ट कर ले, उसको इन्फ्लुएंस कर ले कि उसी मॉडल में, उसी स्टाइल में हमको भी जीना है, तो दैट इज क्या बोलेंगे उसको, चैरिश्मा। इसी से बना है चैरिस्मेटिक, जो कि एक गुण के बारे में बताता है, एडजेक्टिव बन जाता है ये, और ये बनता है गुण किस तरह का, कि एक्सरसाइजिंग अ कंपेलिंग चार्म विच इंस्पायर्स डिवोशन इन अदर्स। ऐसी गुण अपने अंदर ले आना, ऐसी वो लुक आउटफिट्स ऐसे अपने अंदर क्रिएट कर लेना, दिखाना कि सामने वाले देख करके इंस्पायर हो जाए, बंदा बड़ा सॉलिड है ना, इसी के जैसा हमको भी बनना है, इसी की बॉडी, इसी के लुक में हमको भी रहना है, दैट इज चैरिस्मेटिक। चार्ल्टन। चार्ल्टन क्या होता है? अ पर्सन फॉल्सली क्लेमिंग टू हैव अ स्पेशल नॉलेज और स्किल। ऐसे व्यक्ति जो झूठ मूठ में दिखाता है कि हम में इतना गुण है, हम इतने गुणवान हैं, लेकिन होता नहीं है, तो वैसे व्यक्ति को वो क्या बोलेंगे, चार्ल्टन। चास्म क्या होता है? एक गुण के बारे में बात करता है, जो कि अ डीप फीचर इन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के नीचे की जो काफी ज्यादा गहराई वाला चीज है, उसे क्या बोलेंगे, चास्म। चेसिस क्या होता है? आप जानते हैं ना कि जो बेस फ्रेम होता है, जिसपे कार को बनाया जाता है, उस फ्रेम को, उसी फ्रेम को बोलते हैं हम लोग चेसिस, ठीक है। आप खास करके जब कार में बैठ करके जाएंगे और कहीं नीचे किसी ब्रेकर में टकराहट होती है, टकरा जाती है, तो लोग क्या बोलते हैं कि इसका चेसिस कहीं मतलब नुकसान तो नहीं होगा, तो चेसिस का मतलब वो नीचे वाला पार्ट, जिससे पार्ट के ऊपर पूरी तरह से कार को डिजाइन किया गया होता है, तो वो होता है चेसिस। तो आज हम लोग इतने सारे वर्ड्स को देखे, आई होप कि आप सबों को ये सारे वर्ड्स के मतलब समझ में आया होगा। ये सारे रिपीट कर करके आपको हम बार बार लर्न भी करवा देंगे, तो इसका पहले सबसे पहले आप एक नोट्स बना लीजिए और बार बार इसको देखते रहिए, इस वीडियोस को जो आपके सामने प्रत्येक दिन आ रहा है, आपको कहीं ना कहीं रिपीट करा करा करके हम इन सारे वर्ड्स को लर्न करवा देंगे। तो आप लोगों में से बहुत सारे वैसे भी बच्चे होंगे जो इसी वर्ड्स को पहले भी हमसे पढ़ लिए होंगे, तो वो सोच रहे होंगे ये सब तो बस मेरा वैसे में पढ़ रहे, नहीं, वो उसका रिविजन हो रहा है, और यही सारे वर्ड्स ट्रेडिशनल वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स आते ही आते हैं, इसको बार बार रिवाइज करना, बार बार रिपीट कर करके इसको यूज करना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना सेहत का ख्याल रखें, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है।